हम किस्त पे कुछ सामान लिए थे, जो कि मोबाइल लिए थे, सामान नहीं लिए थे, तो वो कंपनी हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किए और हम भी मतलब उतना केयर नहीं किए। बाद में जब हम देखे हम लोग, तब हम लोगों को पता चला। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हम गुड़िया गोरखपुरी और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लिए थे, देखिए, वीवो का मोबाइल लिए थे, जो कि कितने का था? ये था 25,990 रुपये का। 25,990 रुपये का मोबाइल था, जो कि उसमें मतलब उसका का ब्याज व्याज जोड़ करके था ना? हाँ, पूरा ब्याज, पूरा ब्याज जोड़ करके था, मान लीजिए। अब जब हम मोबाइल निकाले थे तो 9,999 रुपये हम जमा भी किए थे, किस्त पे निकाले थे, क्योंकि उस समय हमारे पास पैसा भी नहीं था और मोबाइल भी नहीं था वीडियो बनाने के लिए। बस एक ही मोबाइल था, उसी से हम किसी तरह काम चला रहे थे। ये जाते थे स्कूल पे तो मोबाइल लेके जाते थे और घर पे फिर आते थे, मैं वेट करती थी, आते थे तब फिर वीडियो में बना के डालती थी। तो हम सोचे हम लोग चलो मोबाइल ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से सोच के गए थे कि हम लोग सैमसंग का मोबाइल लेंगे, लेकिन दुकानदार जो था अपने बातों में फंसा करके हमको वीवो का मोबाइल दे दिया, जो कि ये देखिए यही मोबाइल हम लोगों को दिया। तो इसका कैमरा तो इतना घटिया है कि क्या हम आप लोग उससे हम ब्लॉग भी नहीं बनाते हैं, ब्लॉग भी बनाना छोड़ दिया उस मोबाइल से। दूसरा सेकेंड हैंड मोबाइल लिए हैं, जो कि सैमसंग का मोबाइल लिए हैं, उससे हम वीडियो अपना शूट करते हैं। तो दोस्तों, उस समय हम जमा किए थे 9,999 रुपया, जो कि ये देखिए पर्ची भी है हमारे सामने। कितने तारीख को लिए थे हम? लिए थे 18/5/2022 को। 18/5/2022 को ये मतलब मोबाइल हम लिए थे। और कितना महीना हो गया? 13 महीना हो गया। तो दोस्तों 13 महीना हो गया, अब तक तो मान लीजिए 13 महीने में कितना किस्त काटा होगा। और 9,999 रुपया हम लोग जमा भी किए थे और पैसा उसमें 2,000 कि 3,000 रुपये कितना काटा है? कितना पैसा बेसी कितना काटा है? बेसी तो हमारा लमसम चल रहा है इस समय 4,000 रुपया दोस्तों, मतलब ये वीवो वाला 4,000 रुपया किस्त हम लोगों का ज़्यादा काट लिया है, जो कि हम ध्यान नहीं दिए। जब हम सोचे अभी एक साल नहीं हुआ है, जब हम कागज़ निकाले हैं, मतलब रख दिए थे हम कागज, सोचे चलो जब काम पड़ेगा मोबाइल, माने जब मोबाइल का वो इंश्योरेंस भी था मोबाइल का, हम लोग सोचे चलो जब मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम कागज़ निकालेंगे। जब हम सोच रहे थे अब जाएगा अब नहीं कटेगा, ऐसे कल फिर काट लिया, तब फिर हम लोगों का आँख खुला। फिर जब देखे कागज़ निकाल के तो वहाँ उस पर मतलब लमसम लगभग 4,000 रुपया हमारा बेसी लग गया है। तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर, इसके ऑफिस जा रहे हैं। अब ऑफिस में बात होगा कि आखिर में काहे के लिए इतना पैसा बताइए। हम लोग मान लीजिए अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं, भरोसे पे कंपनी के दे देते हैं कि कंपनी ज़्यादा पैसा नहीं काटेगी, जितना उसका होता है उतना ही काटेगी, लेकिन वो दिन प्रतिदिन काटती जा रही है। तो बताइए इसमें क्या करें, कभी कुछ लेने का मन करेगा किस्त पे? बताइए आप लोग, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि पैसा नहीं होता है, किस्त पे ही कुछ ले लेते हैं। लेकिन हम लोगों का समझ लीजिए कल से इतना ज़्यादा टेंशन है कि क्या बताएं। अब हम लोग इसी के लिए गोरखपुर जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग में। तो फाइनली हम लोग जहाँ से मोबाइल लेके गए थे वहाँ पे हम लोग आ गए हैं और मैं दिखाते हैं, इस गली में है वो मोबाइल का दुकान जहाँ पे हम किस्त पे मोबाइल उठाए थे। अब यहाँ पे जा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि काहे के लिए हमारा। स्टेटमेंट दीजिए, निकाले तो नहीं है स्टेटमेंट का, निकाल के हम लाए हैं। नहीं लाए नहीं है, मैंने आज लेके आइए, दिखा देंगे ना। बताइए सर, जमा भी किए थे प्लस 1,593 रुपये पहले। आप कहीं आप गलत होंगे, ये हमें कंपनी से मिस्टेक को जब तक देखेंगे तब तो हम समझाएंगे आपको, हम कैसे समझाएंगे बंदे से बोला नहीं। तभी से तो सर कट रहा है कि जब भी मतलब मान लीजिए किस्त कटता है तो मोबाइल पे मैसेज आता ही है, ऐसा तो कभी भी नहीं गया कि और कब से कट रहा है? और तभी से कटा जब से आज आज आप लेके आ रहे हैं। अरे तो आप देखें हम लोग कितना महीना हो गया, तो देख रहे हैं कि पैसा जमा किया, ये बिल बनती तो अगर होता तो आप लिख देता नहीं लिखा, तो लिख देना चाहिए ना, टीवीएस से हुआ बजाज से हुआ, तो लिखे भी नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग दुकानदार से गए, बात भी किए, तो वो बोल रहा है कि बैंक स्टेटमेंट निकलवाना पड़ेगा, तभी आपका पता लगेगा कि कितना पैसा कटा है कि कितना पैसा नहीं कटा। हमारे हिसाब से हमारा लगभग 5,000 रुपया बेसी कट चुका है। आप ही लोग बताइए, आदमी विश्वास कर करके मान लीजिए कहीं मोबाइल कहीं किस्त पे निकाल रहा है
गरीब आदमी है, उतना बेवत नहीं है उसको लेने का, फिर भी ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि खाते से पैसा काटते काटते चले जा रहे हैं। बस बस शांत हो जाइए, अभी इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे तब। अब निकालेंगे कल, सबूत चाहिए, सबूत के साथ आएंगे तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होगा। हाँ तो कल निकलवा लीजिएगा। कल भी हम लोग आए थे, पता नहीं था कि कल बंदी है यहाँ पे, तो कल भी आए थे, कल यहाँ से हम लोग घूम के वापस चले, फिर आज हम लोग आए, अब फिर कल बुलाना है, फिर कल हम आएंगे। वो यहाँ तक का कागज पे लिखा भी नहीं गया है कि मतलब वो मोबाइल बुकिंग का एक लेडीज किस कंपनी से हुआ है, फाइनेंस किस कंपनी से हुआ है, तो जो मोबाइल दिए हैं उनको तो कम से कम इतना दिमाग रहना चाहिए कि किस कंपनी से मोबाइल बुकिंग कर रहे हैं, किस कंपनी से फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, उनको तो उस कंपनी का नाम भी लिख देना चाहिए। लेकिन वो भी हमारे जो हमारा जो दिए हैं रसीद दिए हैं, रसीद पे वो भी नहीं है कि किस कंपनी से हमको मोबाइल उठा के दिए थे, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप ही लोग बताइए कैसे इंसान किसी पे विश्वास करेगा, बताइए। हर चीज़ इंसान ले ले रहा है, कोई कुछ भी हो छोटा बड़ा चीज़, हर कोई मतलब 1,000 से लेकर 1,500, 2,000, 50,000 तक का लोग किस्त पे हर चीज़ उठा रहा है। जो गरीब लोग होते हैं वो तो किस्त पे ही उठाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना लागत नहीं होता है कि एक बैग पैसा लगा करके वो कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब फिर कल हमको आना पड़ेगा यहाँ पे, कल आ करके फिर देखते हैं कि क्या मसला होता है क्या नहीं, हमारा जितना पैसा हो कंपनी ज़्यादा जितना पैसा काटी है वापस करती है कि नहीं करती। मांगा गया था स्टेटमेंट, जो कि हमारे पति सुबह से गए थे बैंक पे लाइन लगाए थे, और उसके बाद ये मतलब इस पे एप्लीकेशन लिखना पड़ा है, पता नहीं हमको बोलने नहीं आ रहा, उसके लिए लिखा गया है कि मतलब कब कहाँ कितना पैसा कटा है, कितना पैसा नहीं कटा है, उसके लिए वो बोले वो लोग कि पहले वो निकाल के लाइए, उसके बाद हम कुछ आगे की कार्रवाई करते हैं, आपका 4,000-5,000 रुपया अगर कंपनी वाला बेसी काट लिया तो आपको वापस कर देगा। तो उसके लिए गए थे और ये निकलवा के लाए, देख सकते हैं एप्लीकेशन लिखे हैं, अभी जमा नहीं किए हैं लेकिन जमा हो जाएगा। अब ये कब बोले हैं जमा करने के लिए, मंडे को जाएंगे फिर से, बताइए। 3-4 दिन से हम लोग दौड़ दौड़ के एकदम परेशान हो गए, और ये कंपनी वाले भी इतना ख़राब हैं कि हम क्या बताएं आप लोगों को। तो दोस्तों आगे क्या होता है हम आप लोगों को ज़रूर वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। तो बाय बाय।